भाई ये सेटअप आप लोग देख रहे हैं, ये गोरखपुर का सेटअप है जो कि मैं वीडियो शूट करने के लिए 23 तारीख को गया था, जो कि वहाँ लास्ट दिन था कांवरिया का। और भाई मैं गया, सिर्फ एक ही दो डीजे से कंपटीशन हुआ, पर जो मैंने सेटअप देखा भाई, शक्ति डीजे गोरखपुर का सेटअप, जिसमें काफ़ी देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बेस लगे हैं इसमें। और भाई जो क्वालिटी आ रहा था, बहुत ही लाजवाब क्वालिटी आ रहा था इनका सेटअप का। जब मैंने वाइब्रेशन सुना भाई, लाजवाब। और इसमें एम्पलीफायर कौन कौन से लगे थे, वीडियो के लास्ट तक रहिए, आप लोग को पता ही चल जाएगा। और आप लोग को पता ही है गोरखपुर का सेटअप है, तो उसमें आप लोग को एमटी मशीन और बेस तो जान लीजिए बहुत सारा देखने को मिलता होगा। जो हमारे गोरखपुर के भाई देख रहे हैं, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। और आप लोग पीछे से भी देख सकते हैं, जो कि मैंने वहाँ काउंट नहीं किया कितना टॉप लगा था और कितना बेस लगा था, जितना भी लगा था भाई आप लोग देख ही लीजिए। और एम्पलीफायर आप लोग देख लीजिए, एमटी और सबसे पॉपुलर जायफर। और भाई आहूजा तो आप लोग जान ही रहे हैं, हमारा फेवरेट है, और आहूजा का एम्पलीफायर लगा था भाई, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। और वहाँ के जो लोग हैं एम्पलीफायर को 60% से ज़्यादा नहीं चलाते हैं, और एमटी है भाई तो उसको 50% पे चलाएंगे तो बेटर रहता है आप लोग के लिए भी, क्योंकि इसमें डंपिंग बहुत ही ख़तरनाक है, और स्पेशली बेस आप लोग चला रहे हैं एमटी से तो आप लोग को पता ही होगा वापस किस प्रकार से आता है। और ये आप लोग जो देख रहे हैं, ये 21 इंची का बेस है, सिंगल बेस, जिसको चलाने के लिए जाइफर का मशीन लगा था भाई, जो कि सेटअप आप लोग देख ही रहे हैं कितना तगड़ा है। और भाई बहुत सारे डीजे सेटअप वहाँ पे गए थे, बट जितना ये सामान लगाए हैं इतने में कोई इनको पिछाड़ नहीं सकता था, इतना खतरनाक वाइब्रेशन इनके सेटअप से आ रहा था भाई, नंबर एक की क्वालिटी गिर रही थी सेटअप से। क्योंकि मैंने बहुत सारा सेटअप सुना, क्योंकि वहाँ राजन भाई भी गए थे, उनका भी सेटअप बढ़िया बज रहा था, बट उनके अनुसार ये सेटअप छोटा था, वो माल बहुत ज़्यादा लगाए थे। तो सोच सकते हैं फिर भी इनका सेटअप, यदि वो पल्ला बंद करके इनसे कंपटीशन करते हैं तो हो सकता था कि शक्ति डीजे गोरखपुर का बेस ज़्यादा लगता, क्योंकि आप लोग को पता ही है 18 इंच का पंच बहुत ही तगड़ा आता है, उसमें वाइब्रेशन वाइब बहुत ही तगड़ा होता है। और आप लोग देख ही रहे हैं, दो दो जनरेटर लगा था, स्पेशली बाद में मैं चलाया था, शाम हो रहा था, क्योंकि मेरे वहाँ से कम 100 किलोमीटर की है। पता नहीं रात में कंपटीशन हुआ था कि नहीं हुआ था, बट भाई जो सेटअप था ना, लाजवाब था। यदि आप लोग गोरखपुर सिटी के हैं तो बिल्कुल भाई का सेटअप बुक करें, काफ़ी अच्छा बज रहा था। और जिन लोगों को लग रहा है अच्छा बज रहा था भाई, बिल्कुल कमेंट करके बताएं, मैं किसी डीजे का बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, सबका बढ़िया बज रहा था, बट जो मैंने देखा सबसे प्लस इन्हीं का सेटअप बज रहा था, जो कि आप लोग देख ही रहे हैं सामने, काफ़ी अच्छा खासा बेस बजा है उसमें। और ट्यूटर, बस ट्यूटर में भाई थोड़ा और कहूँगा, क्योंकि ज़्यादा ट्यूटर लगाएंगे तो और मज़ा आता है, क्योंकि जितना इस समय एचएफ का हो गया, जितना ज़्यादा एचएफ रहेगा आप लोग को पता है क्वालिटी किस प्रकार से आएगा। और कुछ लोग गए थे तो पता ही होगा, 500-600 ट्यूटर लगाए थे हमारे टांडा साइड के। तो चलिए आप लोग को इसका एक कंपटीशन और दिखाते हैं, जो कि संदीप डीजे के साथ हुआ था, तो आप लोग देख लीजिए, ईयरफोन लगा के देखिएगा, आप लोग को क्वालिटी का अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि आप लोग ईयरफोन नहीं लगा रहे थे तो क्वालिटी का समझ में नहीं आता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, चलिए कंपटीशन दिखाते हैं।